हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था कि हमारे चैनल पर हम आपको जो नवंबर मंथ का असाइनमेंट है आपका, उसके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो लीजिए, उसी प्रॉमिस के मुताबिक एक बार हम फिर आपके सामने हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो पर जब भी आपके असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी वीडियो डाली जाती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, तो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस असाइनमेंट के आंसर लिख सकें। ओके, तो चलिए बात करते हैं आपके मैथ सब्जेक्ट, यानी जो इंग्लिश मीडियम का जो ये मैथ सब्जेक्ट है, इसका असाइनमेंट का आंसर ये आपके सामने है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, राइट द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंसिबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स विच जीरो लेस देन एक्स लेस देन थ्री इज नॉट डिफरेंसिबल एट एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू टू, राइट। तो सबसे पहले आप इसका डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है आपके पास, ये डेफिनेशन ऑफ डिफरेंसिबिलिटी, अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स इज अ सेट टू बी डिफरेंसिबल एट एक्स इज इक्वल टू ए अ पॉइंट इन इट्स डोमेन इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ये इट्स फॉर्मूला, राइट। ये फॉर्मूला है, आप इसको याद कीजिएगा, जो आगे आप जो भी सॉल्व करेंगे तो इसको यूज़ करना है आपको, ठीक है। एग्जिस्ट सो द डिफरेंशियल कॉफिशेंट ऑफ एफ एक्स एट एनी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए डिनोटेड बाई एफ डेज ए, ओके, और डी वाई बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू ए, दोनों हम मतलब या तो एफ डेज ए डिनोट कीजिए या फिर डी वाई बाई डी एक्स, राइट। इसका जो फॉर्मेट होगा फॉर्मूला, वो एफ डेज ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच, वेयर एच इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। एच की वैल्यू इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। सो गिवन आपके पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। आपको शो करना है कि एक्स की वैल्यू जीरो और थ्री के बीच में है। सो फर्स्ट जो कंडीशन दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू वन अप्लाई करेंगे, है ना, फॉर डिफरेंसिबिलिटी के लिए। सो इफ एल एच एस एल एच डी एंड आर एच डी मीन्स लेफ्ट हैंड डिफरेंसिबिलिटी इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंसिबिलिटी, या फिर इसके जगह पर आप अगर चाहें तो लेफ्ट फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, राइट फंक्शन मीन्स एल एफ और आर एफ डेज, ओके, एज यू वॉन्ट, ठीक है। सो लेट्स चेक फॉर बोथ एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू टू, ओके। मीन्स ये सबसे पहले हम फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू वन के लिए अप्लाई करते हैं। सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एल एच डी जब हम फाइंड करेंगे इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई एच, ये फॉर्मूला है, ठीक है। दैट सेम टाइप ये आर एच डी के लिए भी मीन्स राइट हैंड डिफरेंसिबिलिटी के लिए भी सेम अप्लाई करेंगे, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ओके। सो इसके वैल्यू पुट कर लीजिए, एफ एक्स वेयर एट एक्स इज इक्वल टू वन, सो इट्स पुट अप एक्स इज इक्वल टू वन एंड माइनस एफ वन माइनस एच डिवाइडेड बाई एच लिमिट, देन राइट साइड के लिए कि लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एच, दोनों को सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद भी वन माइनस एच डिवाइडेड बाई एच है, फिर उसके बाद वन माइनस एच करेंगे तो आपके पास मीन्स जीरो की वैल्यू, तो एच मीन्स जो माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, मीन्स अबाउट जीरो, ओके। सो वन माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एच, ओके, यहाँ पास प्लस है तो उसकी वैल्यू इज मोर देन ज़ीरो, ठीक है। तो वन माइनस वन होगा तो आपके पास ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, ये वन बाई एच, ओके। तो यहाँ से आप शो कर सकते हैं वन बाई जीरो नॉट डिफाइंड मीन्स इन्फिनेटिव, और यहाँ पास जीरो बाई एच ऑलरेडी जीरो, ओके। सो आप यहाँ सिंस एल एच मीन्स लेफ्ट हैंड डिफरेंसिबिलिटी नॉट इक्वल राइट हैंड डिफरेंसिबिलिटी, सो यहाँ से आप प्रूव कर सकते हो कि देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंसिबल एट एक्स इज इक्वल टू वन,
राइट। नेक्स्ट देखते हैं फॉर एक्स इज इक्वल टू टू, चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा पूरा एक्सप्लेन करने में, आप यहाँ से आप मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ आप लिख लीजिए ठीक है। अगर कहीं पास नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस क्वेश्चन को हम अलग से वीडियो बना देंगे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आप इसको लिख लीजिए। ओके ये सेम है, इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज द लॉगरिथम एंड डिफरेंस। डेफिनेशन इसका बताना है कि लॉगरिथम क्या है आपके पास, और इसके साथ डिफरेंशिएट द फंक्शन एक्स द पावर ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स द पावर ऑफ कॉस एक्स ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट पे आपको इसका डिफरेंशिएट करना है। तो लॉगरिथम मीन्स लॉग मेथड से हम यूज करेंगे इसको ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वाई इज इक्वल टू एक्स द पावर ऑफ साइन एक्स एंड प्लस साइन एक्स द पावर ऑफ कॉस एक्स। ओके तो इसको अपने को क्या करना है, सपोज यू एंड वी सपोज कर लेते हैं कि आपके पास यू की वैल्यू एक्स द पावर ऑफ साइन एक्स है एंड वी की वैल्यू साइन द पावर ऑफ कॉस एक्स। ओके अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन पुट करते हैं, लेट करते हैं उसको। यू इज इक्वल टू फर्स्ट लेंगे हम एक्स द पावर ऑफ साइन एक्स, तो टेकिंग बोथ साइड लॉग है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग यू इज इक्वल टू लॉग एक्स द पावर ऑफ साइन एक्स। तो आपके पास यू ऑल्सो नोन एज लॉग एन द पावर ऑफ एन इज इक्वल टू एन लॉग एम, दैट इज फॉर्मूला है ना। सो उसको अप्लाई करके आप क्या करेंगे, साइन एक्स पहले लिखेंगे आप राइट, तो साइन एक्स लॉग एक्स हो जाएगा आपके पास राइट। यहाँ से आप फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन दो फंक्शन है उसका आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इज अ कॉन्स्टेंट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन, एंड अगेन फर्स्ट सेकेंड फंक्शन इज अ कॉन्स्टेंट एंड डिफरेंशियल विथ फर्स्ट फंक्शन। ओके राइट, तो इसका आप लॉग यू का डिफरेंशिएट करेंगे, वन बाई यू आएगा डी यू बाई डी एक्स ठीक है, साइन एक्स लॉग एक्स का वन बाई एक्स हो जाएगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए ठीक है, यहाँ से आप नोट करते जाइए क्योंकि वीडियो और काफ़ी लंबी हो जाएगी मुझे पूरा एक्सप्लेन करने में ठीक है। बीच बीच का मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको, जहाँ मुझे ऐसा लगेगा जहाँ आपको शायद प्रॉब्लम हो। ओके तो ये फिर से आप वी के लिए भी आप निकाल सकते हैं, और फिर आप एट द एंड लास्ट में देख लीजिए डी वी बाई डी एक्स यहाँ पास आपको मिल रहा है कि वी इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये कॉट एक्स आप अप्लाई कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पास जो इस इक्वेशन में आपको मिलेगा ऊपर में कि कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि कॉट एक्स चेंज कर दीजिए, कॉट एक्स कॉस एक्स बाई साइन एक्स को कॉट एक्स में कन्वर्ट करिए, फिर इसके बाद आपके पास एट द एंड लास्ट में आएगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स आएगा, फिर डी वी बाई डी एक्स और वी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वी की वैल्यू आपके पास क्या है साइन एक्स द पावर ऑफ कॉस एक्स, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, इक्वेशन वन में दोनों को पुट करना है ओके। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू है ना, वी पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, सो डी यू बाई इसमें आप पुटअप करिए ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पास जो वैल्यू होगी उसके लिए डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए, ये आपके पास आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, देन
एफ फाइंड क्या करना है, डबल डिफरेंशियल फाइंड करना है आपको वह, ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसको डबल डिफरेंशियल फर्स्ट आप नॉर्मल आप डिफरेंशिएट कीजिए, फिर उसके बाद अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आ जाएगा इसका आंसर, राइट। ओके, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से नोट कर लीजिए। आगे देखिए, फिर यहाँ से देख लीजिए इसका आंसर आ रहा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर टी इंटू वन बाई ए टी कॉस टी, तो कॉस टी को फिर अगेन हम सेक टी में कन्वर्ट कर देंगे तो सेक क्यूब टी आ जाएगा और डिवाइडेड बाई ए टी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। सैंड इज फ्लोइंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, द फॉलिंग सैंड फ्रॉम अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग वेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका कोन का आप फॉर्मूला आपको मालूम होगा, 1/3 πr² होता है। तो जो पहले गिवन डाटा उसको आप लिख लीजिए, अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ से फिर आप इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ तो गिवन है h इज इक्वल टू 1/6 r एंड फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं r की वैल्यू 6h आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद dv/dt की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक। अपने को फाइंड क्या करना है, तो उसके लिए हम पहले फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करेंगे। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr² h, ठीक है। अब इसके बाद r की वैल्यू गिवन है 6h, तो उसको आप पुट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप v की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर आप t के रेस्पेक्ट पे आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड, तो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। ओके, यहाँ से dv/dt, तो अगेन फिर आप यहाँ पास लिख सकते हैं इसकी वैल्यू भी। ओके, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पास आप नोट कर लीजिए। ओके, अगर कोई भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके लिए हम अलग से आपको वीडियो बना देंगे उस क्वेश्चंस का लिख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। फाइंड आउट टू सच पॉजिटिव नंबर हुज इज 16 एंड द सम हुज क्यूब इज मिनिमम, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपके पास मिल जाएगा, ये देख लीजिए, टू नंबर्स का सम करके आपको बताना है क्यूब, और फिर यहाँ पास देखिए इसको नोट कर लीजिए पूरा। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। और वीडियोस आप हमारे साथ बने रहें, और भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर आप तक पहुँच जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसको पूरा आप नोट कर लीजिए। ओके, ये फिर एट द एंड इसका आंसर होगा इसके पास, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए एट द एंड, फिर एंड सेकंड नंबर इसका 8 आ जाएगा, राइट। ओके ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू स्टूडेंट्स।